इस वजह से आधी रात को इसरो ने छोड़ी सैटेलाइट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने गुरुवार देर रात सैटेलाइट कलाम सेट और माइक्रोसेट आर का सफल परीक्षण किया। गुरुवार को प्रक्षेपण के दौरान PSLV-C44 ने इन दो सैटेलाइट को लेकर उड़ान भरी, जिसके बाद इसरो ने इस प्रक्षेपण के सफल होने की जानकारी दी। उड़ान के कुछ मिनटों बाद ही इसरो ने माइक्रोसेट आर को उसकी वांछित कक्षा में स्थापित कर दिया। 5 महीने में यह दूसरा ऐसा मौका था जब सैटेलाइट का प्रक्षेपण रात के वक्त किया गया हो। लॉन्चिंग का समय निर्धारित करने में सैटेलाइट माइक्रोसेट आर ने मुख्य भूमिका निभाई। इसरो के चेयरमैन के सिवन का कहना है कि सैटेलाइट की जरूरत के हिसाब से समय का चुनाव किया गया। दरअसल 740 किलोग्राम भार वाला इमेजिंग सैटेलाइट माइक्रोसेट आर को इस तरह योजनाबद्ध किया गया था कि यह हर दिन दोपहर 12 बजे के करीब भूमध्य रेखा को पार करे, जब सूर्य भारतीय क्षेत्र को रोशन कर रहा होता है। गुरुवार को श्रीहरिकोटा के भारतीय स्पेसपोर्ट के पहले लॉन्च पैड से रात 11:37 पर PSLV-C44 ने माइक्रोसेट आर और कलाम सेट आर सैटेलाइट को साथ लेकर प्रक्षेपण किया। इसरो के चेयरमैन के सिवन ने बताया, लॉन्च का समय सैटेलाइट की जरूरत पर निर्भर करता है। यहां वह चाहते थे कि सैटेलाइट भूमध्य रेखा के दक्षिणी छोर से उत्तरी छोर में 12 बजे के करीब पार करे। यह सूरज की रोशन की स्थिति के कारण हो सकता है। उन्होंने आगे बताया, हमारा लॉन्चर भूमध्य रेखा के उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है, इसलिए सैटेलाइट की जरूरत को देखते हुए हमने रात में प्रक्षेपण कराया। उन्होंने कहा, सैटेलाइट टीम इस बात को तय करती है कि सैटेलाइट कब तस्वीरें लेना शुरू करे। यह सर्वाधिक सूर्य की रोशनी में हो सकता है या फिर कम बादलों की स्थिति में। लॉन्च का समय उस पर निर्धारित किया जाता है। बता दें कि उड़ान के कुछ मिनटों बाद ही इसरो ने माइक्रोसेट आर को उसकी वांछित कक्षा में स्थापित कर दिया। बता दें कि इस खास सैटेलाइट को तमिलनाडु के 10वीं कक्षा के छात्रों ने मिलकर तैयार किया है और इसे 28 घंटे के काउंटडाउन के बाद गुरुवार रात 11:37 प्रक्षेपित किया गया है। साल 2019 में PSLV-C44 का प्रक्षेपण इसरो का पहला सफल मिशन बताया गया है। इससे पहले 2018 में इसरो ने कई उपग्रहों को सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से अंतरिक्ष में स्थापित किया था।